अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मारिया नज़ीर और हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और आप लोग अपनी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और उसके अंदर हमारा एक चैप्टर है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जिसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हुए हैं कि कन्फ्लिक्ट वाला एथनिक कन्फ्लिक्ट हम पढ़ चुके हुए हैं। देखिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन रहता है और इसका एक और टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है क्या। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको देखें ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत और इंटरवेंशन मदद। हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि जी ये मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया, यानी इंसानियत के नाम पर। हम मतलब हमसे कोई भी हेल्प मांगने के लिए आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या चले हम किसी सिनेरियो ऑफिस की सिनेरियो की बात कर लेते हैं, किसी को छुट्टी चाहिए तो वो आके हमें अपनी जो भी प्रॉब्लम बताता है। ऑफिशियली ये चीज़ अलाउ नहीं होती, यानी अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को देखें तो हम उसको छुट्टी नहीं दे सकते, पर हम उसे कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, यानी इंसानियत के नाते और ह्यूमन राइट्स को देखते हुए तुम्हें ये छुट्टी अलाउ कर रहे हैं क्योंकि तुम इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। इसी तरह से आप जब आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और आप वहाँ पे कोई लड़ाई होते हुए देखते हो, यानी दो ग्रुप्स हैं या लड़के हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि किसी एक लड़के को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, तो आप वहाँ पे रुक के जाके इंटरवीन करते हो, यानी मदाखलत करते हो। और आपकी वजह क्या होती है, इंसानियत के नाम पे कि एक बंदे को मारी जा रही है तो हम इंटरवीन करें, मदाखलत करें और उन्हें रोकें कि ऐसा मत करें। यह है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी वो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं और आपने उन दोनों बंदों से भी विलिंगनेस नहीं ली कि वो, यानी आपने उन बंदों से भी नहीं पूछा कि क्या हम आपके मामले में मदाखलत कर सकते हैं। इसी तरह आप मोहल्ले में और किसी एक घर में लड़ाई हो रही है और आप अगर कोई भी वायलेंस देखते हैं और आप देखते हैं कि मजमूई तौर पे, यानी ग्रॉस लेवल पे वो वायलेंस किया जा रहा है, तो आप उसमें इंटरवीन करते हो और सम टाइम आप उस इंटरवेंशन की वजह से फंस भी जाते हो, यानी कि वो आपका मसला नहीं था लेकिन आपने इंसानियत के नाम पर आपने उस घर के उस मामले के अंदर मदाखलत की और उनको रोकने की कोशिश की ताकि इनकी आप जो भी उनकी लड़ाई हो रही है उसको रोक सकें और कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो वो कभी कभी वो मसला आपके सर भी पड़ जाता है, उल्टा भी उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है। अब इस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को इंटरनेशनल रिलेशन यानी विद इन स्टेट्स क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मतलब क्या है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज अ मीन्स टू प्रिवेंट और स्टॉप अ ग्रॉस वायलेशन, ठीक है, ग्रॉस मजमूई तौर पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अ स्टेट वेयर सच स्टेट इज आइदर इनकैपेबल और अनविलिंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल और इज एक्टिवली प्रोसिक्यूटिंग दम, यानी वहाँ पे इंटरवेंशन करना एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जहाँ पे वायलेट हुई जा रही है और वहाँ के स्टेट के लोग इनकैपेबल हैं और अनविलिंग हैं अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनकी गवर्नमेंट में भी इनकैपेबल है या फिर अनविलिंग है अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के, तो वहाँ पे जो इंटरवेंशन होगी किसी और स्टेट की तो उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कराएगी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज डिफाइंड एज कोरेसिव एक्शन by states involving the use of armed force in another state without the consent of its government, यानी उस government की consent के बगैर आप दूसरी state अपनी armed forces को use करें with or without authorization from the United Nations Security Council, ठीक है। हो सकता है वो national आपकी जो security council है उससे permission ले और हो सकता है वो उससे permission ना ले, ठीक है, और वो कंसेंट भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की ना हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और पुटिंग टू अ हार्ड क्रॉस एंड मैसिव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ,
एक इंटरनेशनल लॉ है, एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी ह्यूमन राइट्स के जो लॉज बने में उनकी वायलेशन हो रही है, तो कोई दूसरी स्टेट जोन सी है वो एक्शन ले एक और, यानी एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, बी के अंदर जोन सा है उनके अपने ही लोग या तो दो ग्रुप्स आपस में झगड़ रहे हैं या किसी और वजह से, या उनके अपनी गवर्नमेंट्स के साथ ही लड़ाई चल रही है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, खून रेजी हो रही है। तो वो जो स्टेट ए है वो जब ये सब चीज़ें देखती है तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अपनी आर्म फोर्स से उस गवर्नमेंट स्टेट बी की गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर, और हो सकता है वो नेशनल सिक्योरिटी से परमिशन ले और ना ले, और वहाँ वो इंटरवीन करते अपनी आर्म फोर्सेस से, तो वो कहेगा जी मैंने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है क्योंकि ह्यूमन लॉज की बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हो रही थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन द पास्ट, नॉर्मली द बर्थ ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज एसोसिएटेड विद नेचुरल लॉ एंड अर्ली इंटरनेशनल लॉ। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूजो ग्रोटिस एस्पायर टू रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशन बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू पोलिटिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। अमॉन्ग अदर प्रोविजन्स कंसर्निंग रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ऑर्डर, ही फर्दर रिफाइंड द जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन स्ट्रेसिंग दैट वॉर वर ओनली अलाउड इफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लीगल रीजंस। देखिए वो कह रहे हैं कि वॉर सिर्फ एक ही वजह से अलाउ है अगर उसका कोई रीजन बनता है। इन हिज ओपिनियन अ राइट टू रेवोल्यूशन एग्जिस्टेड इन एक्सट्रीम केसेज ऑफ टायरनी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंस। इफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सप्रेस सब्जेक्ट आस्क्स फॉर सपोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन पावर इट माइट राइटफुली बी गिवन। सो हिज डिफेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वॉज लिंक टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस टू रिप्रेशन एंड वॉज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स वॉज नॉन एग्जिस्टिंग अंटिल द 20th century। वो बात कर रहा है कि जी वॉर सिर्फ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होनी चाहिए, और अगर कोई स्टेट फॉरेन पावर से हेल्प मांगती है, सपोर्ट मांगती है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन को आकर डिफेंस किया जाए, तो वो उसको फॉरेन उनको वो हेल्प देनी चाहिए। ग्रोटिस आइडियाज़ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंफॉर्मेशन वॉर लेटर ऑन सपोर्टेड बाई मैनी अदर इमिनेंट लीगल स्कॉलर्स। In the 19th century, they were reflected in the majority of publications on the subject. Even though during the 19th century, the principle of non-intervention gradually gained ground, it is generally acknowledged that by the end of the 19th century, a majority of legal experts still acknowledged a right of humanitarian intervention. This point of view was reflected in the state practice of the 19th century in the framework of the balance of power and the European concert. तो जो ग्रोटिस का आइडिया था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, वो मैनी जो स्कॉलर थे वो उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है, और 19th सेंचुरी तक के मेजोरिटी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो पब्लिकेशन हैं उनके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। इवन थ्रू द 19th सेंचुरी नॉन इंटरवेंशन ने काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली एक ग्राउंड बना लिया और उसको एक्नॉलेज किया जाने लगा, लेकिन एंड ऑफ 19th सेंचुरी लीगल एक्सपर्ट स्टिल एक्नॉलेज अ राइट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ठीक है। सेंचुरी 19th सेंचुरी में नॉन इंटरवेंशन को मिला, लेकिन एट द एंड उसके फिर लोग हामी हो गए, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये 19th सेंचुरी तक भी रिफ्लेक्ट होता रहा, और बैलेंस ऑफ पावर और यूरोपियन कंसर्ट में। A number of interventions and defenses justified on humanitarian grounds took place in the period from 1827 to 1908. In the 20th century, the doctrine of humanitarian intervention disappeared from state practice and gradually lost ground in international law. 20th century mein, after World War I, the legitimate use of force were reduced to cases of self-defense and defense of international peace and security.
This was stipulated in the Pact of Paris of 1928 and the UN Charter. वगैरह 20th सेंचुरी में जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया स्टेट्स की प्रैक्टिसेस के अंदर और इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर वार के यूज़ किया जाए कि जो सेल्फ डिफेंस है उसको ख़त्म किया जाए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिफेंस किया जाए, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पैक्ट ऑफ पेरिस 1928 यूएन चार्टर के अंदर भी मैं कंडीशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द विल एंड द पॉसिबिलिटीज टू इंटरवीन कोलेक्टिवली फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। नोबडी वांटेड टू रिस्क अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑन दैट अकाउंट। इन एडिशन द मेजोरिटी ऑफ द यूएन मेंबर्स, अच्छा जी, कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या हुआ कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन थी वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि दुनिया दो दफ़ा दो जंगों की मुतहम्मिल हो चुकी भी थी, दो वॉर वो गुजार चुकी भी थी, और वो जानते थे कि वॉर से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि दुनिया किसी थर्ड वॉर की तरफ चली जाए। तो इस वक्त उस वक्त इंटरवीन करना बहुत मुश्किल था और बल्कि इसको नापसंद किया जाता था कि कोई भी किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करे ताकि जंग की सूरत हाल पैदा ना हो और अमन की तरफ मुल्क गामजन रहे। और जो आपके यूएन के मेंबर्स थे वो भी मेजॉरिटी इसी के हाथ में थी। तो ये पूरी जो आपका कोल्ड वॉर का एरा है, यानी कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के एरा में, ये आपको इंटरवेंशन के ही पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मेंबर्स ऑफ यूएन कंसिडर्स द नोटेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अ रैलिक ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डिसोसिएटेड देमसेल्व्स विगरसली फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग जेनोसाइड थ्रू आउट दिस पीरियड वॉज However, a strong moral challenge to the international public opinion as well as the governments, which were forced in most cases to remain passive witness to the violation. The feeling of impotence gave rise to a dispute whether humanitarian intervention might be justified under specific circumstances. This was, for instance, discussed in the International Law Society in the 1970s. उसमें ये बड़ा डिस्कस किया गया है कि आया जो डिस्प्यूट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की वजह से होते हैं या ह्यूमन इंटरवेंशन किसी तरह से भी जस्टिफाइड है कि नहीं। अच्छा जी, ये कोसोवो वार थी 1996। इस कोसोवो वार से पहले मैं आपको एक स्टोरी जो स्लाइड में मैंने ऐड नहीं की, तो ये कुछ बातें होती हैं जो आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि आप मुख्तलिफ बुक्स रेफरेंस से पढ़ते हो, तो मैं आपको वो आपको एक स्टोरी की तरह बताना चाहती हूँ। अच्छा, जब 19 पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट क्या पाया जाता है, हम जो बार बार अपना डिस्कस करते रहते हैं, कश्मीर की। आपको पता है कि हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो वॉइसराय ने, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भी तकसीम की थी वो इस बेस पे भी थी कि जो इलाके मुसलमानों के हैं उनको पाकिस्तान के अंदर शामिल करती है और जो हिंदू मेजोरिटी के इलाके हैं उनको इंडिया में शामिल करती है। कुछ स्टेट्स थी उस वक्त जो आज़ाद थी, ठीक है, और उनके अपने राज्य थे, जिस तरह हैदराबाद भी उसके अंदर था, आपका भागलपुर स्टेट भी था, आपका कश्मीर भी था। तो इन जितनी स्टेट्स जो आज़ाद स्टेट्स थी उनको डिवाइड नहीं किया गया था, बल्कि ये उन स्टेट के ऊपर छोड़ा गया था कि वो जिस मुल्क के साथ शामिल होना चाहेंगे वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त ये आज़ाद स्टेट थी, किसकी तकसीम नहीं हुई थी। पाकिस्तान बन गया और जो 19 जो उसका भी महाराजा जो भी था, राजा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो खुद तो हिंदू था लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी आबादी की थी वो
मुसलमानों के थे। उन्होंने स्टिल उनको आज़ादी थी, अगर वो अपनी आज़ाद रियासत रखना चाहते हैं आज़ाद रखें, और अगर कहीं शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाए। अच्छा, जब ये बन गया तो 1948 की जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे एजुटेशन लोगों में पाई जाती थी, यानी कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे कि हम अभी तक, क्योंकि वो राजा हिंदू है और वो कहीं हमें इंडिया के साथ ना मिला दे, तो एक छोटी सी वो सूखे कहते हैं कि हो सकता है वो पाकिस्तान ने ही भेजे हों, मुजाहिदीन भेजे ताकि वहाँ पे वो इस तहरीक को चलाएं कि हम पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी तैयारी करके और वो अपनी फ़ौज को उसके ऊपर हमला करके और फौज को वो मूव करते हुए लेते जा रहे थे। जब उन्होंने इंटरवीन किया, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने उन मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए इंटरवीन किया, क्योंकि बकौल उनके वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, और उन्होंने इंटरवीन किया इंडिया के अंदर, कुछ इलाके वो फतह करते हुए, जो हमारा आज का आज़ाद कश्मीर है वो एक महसूस मुकाम तक पहुँच गए। तो जब उन्होंने इंटरवीन किया तो जो राजा था वो, उनके उस आज़ाद रियासत थी लेकिन उसकी अपनी फौज तो नहीं थी, तो वो इंडिया के पास गया और उसने कहा कि मुझे ये मेरे पे इस तरह से पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी आर्म चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आर्म तो आपको तब मिलेगी जब आप ट्रीटी साइन करोगे, यानी इसको इंडिया का हिस्सा बनाओगे, तब हम अपनी आर्म देंगे। तो उन्होंने इंडिया का उसको ट्रीटी साइन कर दी कि ये आज से इंडिया का हिस्सा है, और फिर इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और वहाँ पे अब तक आप देखते हैं कि वो वहाँ पे एक आर्मी इंडिया की भी पाई जाती है। तो उसके बुक्स के बारे बुक्स में अक्सर इंडियन राइटर्स और पाकिस्तानी राइटर्स भी लिखते हैं कि पाकिस्तान वो वहाँ पर काफ़ी हद तक आगे मूव कर गया था। अब वो इंडियन जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं, जो वहाँ पे ब्रिगेडियर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद वो थोकी, कि हमें हैरत होती है कि अगर पाकिस्तान चाहता तो ये पूरे इलाके को आज़ाद करा सकता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वेट किया। हो सकता है कि उन्होंने पीछे से कोई वो लेना चाह रहे थे, मैसेज लेना चाह रहे थे, उसके बारे में भी कुछ दो र्यूमर्स पाई जाती हैं कि वहाँ पर जो ब्रिगेडियर कमांड था तो ये चाह रहे थे कि ये जो कमांडर है ये यहाँ से ब्रिगेडियर चला जाए और एक नया ब्रिगेडियर आके इसकी कमांड संभाले, ताकि जब कश्मीर फतह हो तो उसका नाम हो। आई डोंट नो, ये बुक्स में लिखा हुआ है। तो उसमें जो डिले आया, उस डिले की वजह से इंडियन आर्मी ने बैक किया हमला, मतलब उन्होंने अपना डिफेंस किया और पाकिस्तान आर्मी को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहाँ के। बल्कि इवन जो ब्रिगेडियर जो अपने रिटायरमेंट के बाद बुक्स में लिखते हैं कि हम बड़े हैरान थे कि अगर पाकिस्तान चाहता तो वो इतने अच्छे इलाके में मौजूद था कि वो इस पूरे इलाके के ऊपर उसको कब्ज़ा कर सकता था, क्योंकि आपको पता है 1948 का एरा और आपका दौर, अब तो आप एक न्यूक्लियर दौर में दाखिल हो चुके हैं, अब तो आप इस तरह से हमला करके इलाकों को फतह नहीं कर सकते। तो अगर ये वहाँ तब चाहते, लेकिन तब भी देखें पता नहीं बस सियासत की नज़र हुआ कि किसकी नज़र हुआ, तो जो इलाके उस वक्त पाकिस्तान ने आज़ाद करा लिए थे वो आपका आज़ाद कश्मीर बन गया, वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर आते हैं, और जो बाकी जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के पास आ गया। तो यानी उस वक्त जो पाकिस्तान की बेस थी वो ये थी कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पर इंटरवीन किया था और वहाँ पर उन मुजाहिदीन की हेल्प की थी। हम अभी भी ये स्टांस लेते हैं कि हम यूएन के अंदर भी हमने इस केस को उठाया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को वहाँ पे जुल्म किया जाता है। तो और इंडिया ने इसके बाद जो अपना 1965 के जंग के बारे में कहा जाता है कि इंडिया ने पूरा प्लान किया था कि हम उनसे, जो इन्होंने हमारा कश्मीर हमसे छीना है, हम इनसे इनका लाहौर छीन के वो बदला वापस लेंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कि इंडियन आर्मी का जो भी प्लान था वो आपको पता है, लाहौर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए बाटापुर तक आ गए थे, और बाटापुर से आगे जो उन्होंने हमला करना था उसके अंदर उनका डिले आया, मे बी कम्युनिकेशन डिले था या पीछे से ब्रिगेडियर्स ने कुछ उनको वेट करने के लिए कहा। तो वहाँ पर जब वो उन्होंने वेट किया तो उस वेट में पाकिस्तान आर्मी को इतना टाइम मिला कि उन्होंने अपना डिफेंस कर लिया और इंडिया को फिर वहाँ से मार भगाया।
तो यानी कि ये कुछ हिस्ट्री के बुक्स में आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं कि समझ नहीं आता कि ये डिले क्यों आया है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटिश ने काफ़ी रिसर्च की है इन दोनों वॉर्स के ऊपर कि इनके अंदर इस तरह से डिलेज आए और ये वॉर जो थी वो टोटल डिफरेंट सन बन गए। तो वो फिर अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी थी और हम वो जो बदला लेने का जो प्लान करके आए थे वो नहीं हुआ और उनको यहाँ से वापस, तो उनका इंडिया वालों का मौका किया था कि उन्होंने जो हमसे कश्मीर आज़ाद कराया, जो भी इलाके आज़ाद कराए हैं, तो वो हम इनसे बदला पाकिस्तान के लाहौर लेके लेंगे। तो ये कुछ मतलब एक अनडॉक्यूमेंटेड कि मुख्तलिफ बुक्स जो अपनी आप बीती लिखते हैं उनके ऊपर लिखी हुई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम अभी तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कश्मीर का साथ नहीं छोड़ रहे, अल्लाह इल्लम आपको इसके अंदर से जंग किया। तो 1996 से लेके 1999 था कि कोसोवो वॉर थी, ठीक है, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, कोसोवो लिबरेशन आर्मी। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी कौंसिल रेजोल्यूशन 1244 उसका एक रेजोल्यूशन का नाम है। तो ये कोसोवो वॉर चल रही थी और कोसोवो वॉर को इसके अंदर एक इंटरवीन हुआ था और वो इंटरवीन किसने किया था हम आगे देखते हैं। तो मार्च टू जून 1999 नेटो जो एजेंसी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने एयर स्ट्राइक किया था अगेंस्ट द फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, क्योंकि उनके ने कहा कि जो कोसोवो में लोग हैं उनके ऊपर ये यूगोस्लाविया वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं और वो लोग इतने पावरफुल नहीं हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो नेटो ने बगैर मतलब किसी से परमिशन लिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया यूगोस्लाविया में, ताकि वो बदला ले सके जो यूग कोसोवो वॉर चली हुई है और कोसोवो वॉर को एंड कर सके। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की आपको एग्जांपल मिलती है और ये 1999 में हुआ था, ठीक है। तो इसके अलावा एक और भी कहा जाता है कि जो इराक के अंदर अमेरिका ने किया था, तो वो अमेरिका कहते हैं कि हमने इसलिए किया था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत वायलेशन हो रही थी और कुर्द लोग थे उनको बचाने के लिए, आगे स्लाइड्स पर भी आप देखेंगे, तो वो इसलिए इंटरवीन किया गया था। अच्छा जी, इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है कि क्या जो नेटो ने एयर स्ट्राइक किया है या बॉम्बिंग की है वो लीगल थी कि नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई केस ऑफ सेल्फ डिफेंस तो नहीं था, यानी नेटो ने तो कोई अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करना था और ना ही कोई सिक्योरिटी कौंसिल जो आप हम यूएनओ की हमने एक पार्ट पढ़ा हुआ है, तो ना ही कोई सिक्योरिटी कौंसिल ने इसको ऑथराइजेशन दी थी कि किस बेस के ऊपर नेटो ने ये बॉम्बिंग एयर स्ट्राइक की। तो उसका ग्राउंड का आंसर क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई इस ग्राउंड के ऊपर, नेटो ने वो एयर स्ट्राइक की यूगोस्लाविया के ऊपर ताकि कोसोवो वॉर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके ऊपर बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं, तीन स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं, स्लाइड में आपको भी दो नज़र आएंगे, एक आपको एंड पे नज़र आएगा। कुछ लोग तो वो कहते हैं जी ये बिल्कुल लीगल नहीं है ह्यूमन इंटरवेंशन, नो, यानी ये नहीं होना चाहिए। कुछ इसके हक में है, यानी कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए। और एक तीसरी राय पाई जाती है, वो मतलब बीच के लोग हैं, कहते हैं अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में ही ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकती है। तो हम इन तीनों पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो नो वाले हैं वो क्यों कहते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, येस वाले इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट देते हैं, और वो जो कहते हैं कि अभी नहीं बाद में हो या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हम वन बाई वन इसको देखते हैं। जो कहते हैं नो, वो कहते हैं कि यूएन चार्टर के अंदर इसकी कोई भी जगह नहीं है और ये जो आर्टिकल 2.4 है कि किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है, टेरिटोरियल यानी इलाके की इंटेग्रिटी, उसकी खुद मुख्तारी को। तो वो कहते हैं ये ह्यूमन इंटरवेंशन तो किसी और मुल्क में जाना, ये तो उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है,
आप तो उसको उसकी टेरिटरी इंटेग्रिटी को ही तोड़ रहे हो। तो ये तो बिल्कुल उस आर्टिकल के, यूएन चार्टर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और ये इनकंसिस्टेंट है आपके पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, यानी यूनाइटेड नेशन आपने बनाया हुआ है लेकिन फिर भी आप दूसरे मुल्कों के अंदर, वो एक आपका अदारा है और पीस को मेंटेन रखना उसका काम है, फिर उसके बावजूद आप दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे स्टेट्स के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ये कहते हैं जी हम इनको बचाने आए हैं और उनकी गवर्नमेंट इज़ विलिंग नहीं है, तो इसका तो फिर पर्पज़ ही नहीं बनता। तो वो कहते हैं जी आर्टिकल 2.4 के अगेंस्ट है, यूएन चार्टर में इसकी कोई जगह नहीं है और ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के टोटल खिलाफ। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या है, कि किसी की इलाकाई हदूद में, जिस तरह हमारे बॉर्डर्स बने हुए हैं और हमारे बॉर्डर के अंदर कोई भी अगर किसी का ड्रोन भी आ जाता है तो हम उसको मार गिराते हैं, यानी हमारी इंटेग्रिटी के अंदर वो नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने प्रोटेक्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आर टू बी, ये तो उसके भी टोटल खिलाफ है। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी, और जो आपका रूल बना हुआ है ICISS 2001, यानी इंटरवेंशन और स्टेट की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी जो उनकी है वो इंटरनेशनल कमीशन के अंदर, कि आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करनी और स्टेट की खुद मुख्तारी कायम रहनी चाहिए, ये उसके भी टोटल अगेंस्ट है। तो वो इसलिए कहते हैं कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन सब रूल्स के और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है वो भी इससे वायलेट हो रही है, तो ये किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। ये वो लोग हैं जो इसके हक में नहीं, ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं किसी सूरत ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन काबिले कबूल नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट और जो इसके हक में है, क्योंकि प्रेसिडेंट बिफोर 1999 नो फ्लाई जोन्स इन इराक टू प्रोटेक्ट द कोर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि 1999 से पहले तो इराक में कोई भी ऐसा फ्लाई जोन नहीं था कि आप वहाँ पे जो रहने वाले कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था उसको प्रोटेक्ट कर सको। तो उस वक्त ह्यूमैनिटेरियन नीड बहुत ज़्यादा थी, यानी इंसानियत के तौर पे आपको वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि आप तो ये कस्टमरी एस्टेब्लिश अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल अंदर के लॉ के अंदर ये एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा है अमेरिका हर जगह इंटरवीन करता रहता है कि हम इंसानियत को बचा लें, ठीक है। और जो वो लोग कहते हैं नॉट येट बट इन द फ्यूचर, वो इसकी रीज़न देते हैं। वो कहते हैं कि जी इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमरी लॉ, यानी जो नया लॉ आया है उसकी अकॉर्डिंगली एन एक्सेप्शनल मेजर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओवर हीटिंग ह्यूमैनिटेरियन नेसेसिटी। रशिया इसके बिल्कुल अगेंस्ट था, यूक्रेन ये जो कस्टमरी लॉ आया इमरजेंस हुई न्यू लॉ के, तो रशिया ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। वो नहीं चाहता था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर दूसरे ममालिक एक दूसरे के अंदर इंटरवीन करें, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल हम जो पढ़ चुके हैं कि उसके 15 मेंबर्स होते हैं तो उसके 3 ने सिर्फ उसके हक में वोट दिया और जो 12 ने इसको टोटल रशिया के ड्राफ्ट को फेल कर दिया, यानी उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, तो वो ड्राफ्ट बिल्कुल फेल हो गया। और कोई भी स्टेट, यानी रशिया इस चीज़ के बहुत खिलाफ था कि नेटो ने एयर स्ट्राइक को क्यों किया कोसोवो के अंदर और यूगोस्लाविया ऊपर, सॉरी कोसोवो वॉर के अंदर, यानी इसका ये काम नहीं था, तो इसको एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था और वो कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ख़िलाफ़ था। तो रशिया ने इस रेजोल्यूशन के भी ख़िलाफ़ लिया, वो एक रेजोल्यूशन लेकर आया सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में से 12 ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं थी जो ये कंडेम कर सके कि नेटो ने एयर स्ट्राइक करके गलत किया है। तो मैनी स्टेट्स फेल टू कंडेम, तो जो यानी वो लोग जो इसके हक में नहीं है लेकिन वो फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नया लॉ आ चुका हुआ है,
कोई भी स्टेट अभी तक कामयाब नहीं हुई कि वो कह सके कि नेटो ने गलत किया था उस वक्त एयर स्ट्राइक करके और इंटरवीन करके। तो ये तीसरी तरह के जो लोग हैं ये बीच के लोग। तो जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिकली हमने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है। आपने किसी और स्टेट के अंदर अपनी आर्म फोर्सेस लेके जानी है जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, और हो सकता है आप उनकी गवर्नमेंट की कंसेंट ना लो और ना ही किसी यूएन चार्टर्ड की कंसेंट लो, और आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकने के लिए अपनी आर्म फोर्स उस स्टेट के अंदर यूज़ करो। हो सकता है वहाँ के जो लोग हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या अपनी जान खुद लड़ सकें, तो आप उनकी हेल्प के लिए अपने आर्म फोर्सेस लेके जाओ। तो ये एक बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की एग्जांपल। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वॉर्स, अगर आप योगोस्लाविया, कोसोवो और आप और भी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे आई थिंक सो फलस्तीन के अंदर भी नेटो की फोर्सेस जाती हैं, तो ये जिस तरह कुछ अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ पे भी इंटरवीन करते रहते हैं दूसरे ममालिक ताकि वहाँ पे अमन को लाया जा सके या लोगों की मदद की जा सके। और हम मैंने आपको एग्जांपल दी कश्मीर की कि पाकिस्तान का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो वहाँ पे आर्मी एजेंसी है, हम उनको मॉरली सपोर्ट करते हैं 1948 में, बल्कि हमने अपनी आर्म्ड के जरिए भी उनकी हेल्प की और इंटरवीन किया ताकि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की, और हम फर्दन फर्दन इसको मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उठाते रहते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स से किस तरह से वायलेंस हो रही है और वायलेट किया जा रहा है। तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं, और अभी भी हमने बताया इसके अलावा तीन राय पाई जाती हैं, कुछ लोग इसके हक में और कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि इंटरवेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि फिर तो आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को, हाँ आप फोर्स से ना करें, आप जिस तरह यूएन चार्टर्ड है वो बना हुआ है, आप उनकी कुछ करारदाद है, जिस तरह कुछ डिस्प्यूटेड जो इलाके हैं, जिस तरह अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो उसके बारे में क्या है, वहाँ पे इलेक्शन कराएं, ऐसे इलाके जो डिस्प्यूटेड हैं वहाँ पे आपको लग रहा है कि वायलेट हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स, तो आप वहाँ पे यूएन इंटरवीन करें, नॉट विद फोर्स बल्कि अपनी अथॉरिटी के साथ इंटरवीन करें और वहाँ के लोगों को राइट दे। वहाँ पे इलेक्शन करा के, कोई रेफरेंडम करा के अगर लोग वहाँ से डीकॉलोनाइज होना चाहते हैं, अलहदा होना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन ये भी आजकल की एक फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है, जिस तरह से इंडिया हमारे बलूचिस्तान में अब इन्वेस्ट करके वहाँ के लोगों को हमारे ही खिलाफ कर रहा है, तो अब हम तो अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंटरवीन करे और वो कुछ ऐसे मसाइल का प्रॉब्लम को सॉल्व करे ताकि वो बगैर ही ह्यूमन राइट्स को वायलेट करें, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकें। जिस तरह से हमारे जिस तरह समाज के अंदर या हमारे बलोचिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें बन गई हैं जो हमारे ही मुल्क वो बाहर से फंडेड होती हैं, तो फिर हमने क्या किया, एटलीस्ट फिर एट द एंड हमें अपनी आर्म फोर्सेस को यूज़ करना पड़ा उन तंजीमों को ख़त्म करने के लिए और लोगों को दोबारा समझाने के लिए। समाज को आपने देखा है कि वहाँ पे कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उनको वहाँ के लोगों से आज़ाद कराया गया, तो ये फिर उस स्टेट को भी लेना पड़ता है। लेकिन यूएन का काम है कि वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है,